देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए मथुरा में भी कोविड 19 के सैंपल पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के अनुसार रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें ढकेल वाले, डेयरी पर काम करने वाले दुकानदार, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लोगों के सैंपल अब लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिक्शा चालकों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की वास्तविकता की स्थिति पता चल सके। रैंडम सैंपलिंग के संबंध में सैंपल टीम के प्रभारी डॉक्टर मेघशा गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोविड 19 के मरीज देखने में मिल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शहर में रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। देखिए, शासन की तरफ से जिस प्रकार से कोरोना के मामले हमारे भारत में बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, कल का पता चला लखनऊ में भी काफ़ी केस निकले हैं, तो सभी जगह कोरोना का कहर जो है अभी थमा नहीं है। वैक्सीनेशन जरूर स्टार्ट हो गया है, पर वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि अभी कोरोना थम गया है। इसलिए प्रत्येक आदमी को कोरोना की गाइडलाइन, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, हाथ साफ़ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी बनाना, कम से कम घर से बाहर निकलना, इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। इसको देखते हुए जो है अभी शासन ने सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने हेतु हमको जो है फोकस एक सैंपलिंग की गाइडलाइन दी है, जो हमारी पिछली इस महीने की 13 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक कंटिन्यूस चलेगी, जिसमें 13 तारीख को हमारे सैंपल जो है बड़े निर्माण स्थल, जहाँ निर्माण हो रहे हैं, बाहर की लेबर आकर के काम करती है वो जगह, फल सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट फूड वेंडर जो रोड किनारे खान पीन की चीज़ों का बेचते हैं, उनकी रेहड़ी वालों की इनकी सैंपलिंग हुई है। कल अभी हमने, जैसे दूध की डेयरी है, उस पर भी काफ़ी लोगों का आवागमन जारी रहता है, दूध डेयरियों के हमने कल सैंपल लिए हैं। आज जो सैंपल हुए हमारे, वो रिक्शा पोलर वगैरह आदि, टेम्पो चालक, ट्री वाले, रिक्शा पोलर, इनके लिए गए।